पहले दिन का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है हम सबके लिए, हमको मैसेज आ रहे हैं और जो बिजनेस किया है पिक्चर ने विदाउट प्रमोशन एंड इसका मतलब लोग जो बाहर निकल रहे हैं थिएटर से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिव, और इसीलिए वो ग्रोथ दिख रही है एंड लोग जा रहे हैं और हॉल्स भर रहे हैं. सो वेरी एक्साइटेड. आई थिंक यही हमारा प्लान था कि इस पिक्चर में कॉन्टेंट इतना स्ट्रांग है कि हमें खुद बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हम बोलें कि पिक्चर ऐसी है, पिक्चर वैसी है. कंटेंट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ और वही हो रहा है. बहुत एक्साइटेड है एंड तभी हम आज आए प्रमोशन करने के लिए. हाँ, रिलीज के बाद रिलीज के बाद आए. सो हैप्पी के मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटरव्यूज नहीं हुए हैं और सारे हेक्टिक से बचते हुए आप ये इंटरव्यू हो रहा है. मैं सबसे खुश हूं. नो या बिल्कुल. आई थिंक इट्स अ बिग रिलीज. नहीं, अच्छी बात है. और ऑनेस्टली जिस टाइप की फिल्म है इत्तेफाक, अगर हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में बोलते तो शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल आता जो हम नहीं चाहते थे और वही हुआ. मर्डर मिस्ट्री है, सस्पेंस अगर एंड तक रहे, लोगों के दिमाग में रहे तो आई थिंक बेहतर है. एंड विच इज़ वॉट हैपन. सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट. अभी पहले हिंदी की चले जाए. हाँ. बाद में बात करेंगे तेलुगु की. ये और आप ये प्रोड्यूसर कल रिलीज हुई है अभी हिंदी की, तो बेटर होगा. ये जब ये हिट हो जाएगी तो हम उसमें. हाँ. गुड आफ्टरनून समय. अरे कैसे हैं आप? हाय. आपने पिक्चर देखी? हमारी प्रमोशन कर रहे थे. क्या बात है. देखो शुक्रिया इनकी वजह से हमारी पिक्चर. मतलब अब इनसे टिकट मांग रहे हैं क्या? आपको हमारी गुडविल नहीं चाहिए. अक्षय ही वांट्स टू वॉच अ फिल्म विद यू बेसिकली. सर मेनी कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. काफी मैथ्स के हिसाब से काफी अच्छा किया है कलेक्शन. डेफिनेटली. हाँ. ऑल्सो और हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि इस टाइप की फिल्में, इस जॉनर की फिल्में बहुत कम बनती है फिल्मों में. एंड उस हिसाब से विदाउट एनी प्रमोशंस, विदाउट एनी सॉन्ग्स जो ओपनिंग मिली है, आई थिंक इट्स ग्रेट. ऑल्सो बिकॉज एकदम टिपिकल कमर्शियल पिक्चर नहीं है. वी डोंट हैव द रेगुलर नाच गाना लोकेशन एंड अदर थिंग्स की लोगों को अट्रैक्ट कर पाए. जैसे कि मैंने पहले कहा इट्स अ वेरी कॉन्टेंट स्टोरी ड्रिवन फिल्म. तो वेर एन्जॉइंग किया खुद ही जब लोग पसंद करते हैं और बिजनेस बढ़ता है. इट्स दिस फिल्म स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. एंड लोगों ने खास करके प्रोमो देखे. बिल्कुल. सिर्फ ओनली प्रोमो देखे जब लोग आते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट दिखता है. और आई थिंक एक और बात है कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर द डायरेक्टर. उसकी डेब्यू फिल्म है अभय चोपड़ा जो हमारे साथ नहीं है यहाँ पे. आई थिंक वी इंट्रोड्यूस्ड अ वेरी गुड डायरेक्टर टू द इंडस्ट्री एंड उसका बहुत लंबा करियर होगा आगे चलेंगे. And we hope all of us get to work with him again. Definitely. How do you see the film releasing and how you analyze the film release and the connections? I think it's too early now. It's just released, yesterday. And from whatever initial response I've got, it's very positive. So we'll analyze it later. But right now, it's very, very positive. How much are you guys interested in the numbers? Because for the first day collection, 4 crores. How much are you guys into numbers? आई थिंक इस फिल्म में अभी आज के बाद अगर हम बोले तो ऑब्वियसली इन हाइंडसाइट कह सकते हैं कि अच्छा बिजनेस कर रही है. बट आई थिंक शुरुआत में हम किसी का थॉट नहीं था कि यार ये पिक्चर एक्स वाई जी नंबर करें. बिकॉज जैसा कि मैंने कहा ये टिपिकल कमर्शियल पिक्चर के अंदर नहीं आती है. तो यहाँ पे लोगों को हमारा काम पसंद आए, कहानी पसंद आए, या लोगों को लगे कि अच्छी मर्डर मिस्ट्री है या एक थ्रिलर है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. जो हमें कल मतलब मेरे को सबको मैसेज आ रहे हैं and text aa rahe hain, so we are I think personally more happy about that. It's a bonus that the film is doing well at the box office, so that's why I'm very happy we're all sitting here and talking to you. And good afternoon. Hi, it's Akon on the public. First of all, congratulations for the first day collections. Your promotional strategy has been less for more, less promotions and more for us. Yeah. So do you think the promotional strategy has affected the film in positive or negative way? I think positive now. Yeah. When we look at it, people came with a clean slate here. They have no idea what the film is about. And I think the best interval chatter that I have noticed, where people start chatting, ki kaun hai murderer, maybe it's the third person, yeah. Fourth person. Everybody has theories, their own versions. Which I think has not happened in many years because no one's ventured into this genre for many, many years. And so we're just excited that it seems a bit fresh and seems a bit new and people are enjoying it. Are you guys planning to go to theaters to see the response of our film?
we might abhi to koi aisa our producer Juno was saying today we'll go and sneak into one of the theaters and watch how everyone's reacting to it. Should be fun. Yeah, it should be fun. Yeah, it should be fun. So maybe we might. दो बार देखी जी दो बार देखी वो पहली बार उन्होंने देखी उन्हें इतनी पसंद आई कि वो दिल्ली चले गए थे बोला कि अगली स्क्रीनिंग कब है मैं स्पेशली उसके लिए वापस आऊंगा और वो वापस आए और उन्होंने दोबारा फिल्म देखी उन्हें बहुत पसंद आई अरे माँ जो जमा रहे हैं Well, this one did. कभी कभी झगड़े हो जाते हैं लेकिन इस फिल्म में बिल्कुल नहीं हुआ और सब बहुत स्मूथली गया और करण शाहरुख तो है ही बहुत अच्छे दोस्त पर बी आर के साथ भी उनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहा और सब बहुत खुश है आप सोमवार से शुक्रवार तक काम करते हैं नहीं नहीं ऐसे मंच पे जाके लोग बोलते हैं कुछ चीजें ऐसा सच नहीं है सब कुछ सच नहीं होता है आज आपसे बात कर रहे हैं आपके लिए आए स्पेशली हाँ शनिवार के दिन वही तो मैं बोल रहा हूँ ना हाँ जी I think एक बार आदमी प्रोमो देखता है फिल्म का तभी वो अपना मन बना लेता है कि मेरे को देखनी है पिक्चर या नहीं देखनी है उसके बाद उस फिल्म का एक्टर अगर एक इंटरव्यू करेगा या हज़ार इंटरव्यू करेगा उससे मेरे को नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता है हाँ अवेयरनेस बढ़ता है पर वो निर्णय जो उन्होंने लिया है प्रोमो देखने के बाद वो नहीं बदलता है ऐसा मेरा मानना है आई थिंक ऑल्सो हमारी पिक्चर में एक फ़ायदा था इसका बिकॉज एक मिस्ट्री बनी रहती है बिकॉज हमारी मर्डर मिस्ट्री है तभी वो आइडिया आया कि हम शायद इंटरव्यू ना दें बिकॉज हम अपने किरदार के बारे में दो लाइन से ज़्यादा बोल भी नहीं सकते आपको या कहानी क्या है नहीं बता सकते तो वो इंटरव्यू भी फिर नेगेटिव होगा तो बनना Absolutely. I think my confidence to do films like this comes from the films that I've done in the past, which kind of the more commercial, the more massy kind of films. Usse mujhe confidence mila hai aisi film mein. Hausla bada hai mera. So I feel, yes, and going on, jo response se mili hai, jo response mere previous characters ko bhi mili hai, jo solo maine kiye hai, usse definitely aur confidence milta hai and I would want to. Last question. Haan ji. बिल्कुल आई थिंक मोर कॉन्फिडेंस टू ट्राई नॉट डू यू नो टू एक्सपेरिमेंट अगर आप देखें ये पिक्चर बिल्कुल सेफ जोन में नहीं आती है इसमें जैसा कि मैंने कहा काफ़ी कुछ नया है और काफ़ी कुछ अलग भी है स्पेशली अगर जिन लोगों ने पिक्चर देखी है अगर वो किरदार की बात करें या यू नो हम लोग सब एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इसमें वो कमर्शियल हीरो हीरोइन या यू नो ऐसे कोई फ्लैम्बॉयंस नहीं है तो आई थिंक डेफिनेटली ये पिक्चर जब अच्छी करती है तो आपको एक हौसला मिलता है कि आगे आप अलग अलग स्क्रिप्ट पकड़ें अलग जॉनर्स करें जो काफ़ी देर से लोग नहीं देख पा रहे हैं अक्षय आप और काम करेंगे लोगों को देखेंगे सबकी यही चाहत है कि लाइक यू कम आउट मोर सोनाक्षी एम आई राइट एब्सोल्युटली जी बिल्कुल मैं बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट मिल जाए लास्टली शाहरुख इज एसोसिएटेड विद द फिल्म एंड इट कम्स टू मार्केटिंग एंड प्रमोशन शाहरुख कोई वो नहीं कर सकता बिल्कुल पहचान नहीं सकता बट दिस फिल्म वी सॉ अ लिमिटेड प्रमोशन ऑफ इत्तेफाक कैसे थे नया ट्रेंड सा स्टार्ट हो गया प्रमोशन जो होंगे बहुत कम होंगे बिकॉज एक्टर्स के लिए भी काफी हेक्टिक हो जाता है प्रमोशन I think bilkul humne also I think what clever thing they did was ki they saved the money that they spent on promotion and making us travel and we put it in media spent so I think uski zyada value milti hai aapko because agar aap kabhi kabhi hum jo paise lagte hain travel karne mein production karne mein aur time bhi jo lagta hai sometimes it's not come back in return and times have changed I think so I think it was a great call by all the producers to not promote and we're pretty happy that today without that we've got a good Friday and it's growing on a Saturday and people are saying good things and positive so yeah it's worked out pretty well thank you thank you